हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे मोटोरोला एज 40 के बारे में। बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि मोटोरोला एज 40 में जो ये दो फ्लैशलाइट दिए गए हैं, ये दो फ्लैशलाइट जलते क्यों नहीं हैं। तो आज की वीडियो में हम ये आपको बताएंगे ये दो फ्लैशलाइट जलते क्यों नहीं है और जलेंगे तो कैसे जलेंगे। तो फटाफट वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना है। मोटोरोला का अनबॉक्सिंग अभी हाल में ही हमने किया है तो उसका वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो गाइस चलिए फटाफट देखते हैं। सबसे पहले आपको दिखा दूं, अगर आप सेटिंग में जैसे ही जाते हैं टॉर्च को ऑन करते हैं तो आप देख रहे हैं इसमें सिर्फ एक ही लाइट जल रहा होगा। साइड से थोड़ा सा आपको एक अंदाज मिल पाएगा, देख रहे हैं इसमें एक ही लाइट जो है कि जल रहा है। सेकेंड लाइट जो ऊपर का लाइट है गाइस, वो आपको इसमें जलता हुआ नहीं दिखेगा। थोड़ा तो सा इस व्यू से देखते हैं, सेकेंड लाइट जो है आपको ऊपर में देख रहे हैं जलता हुआ नहीं दिखेगा। तो गाइस इसका मैं आपको रीज़न बता दूँ, ये जो गाइस ऊपर में लाइट दिया गया है ये एक्चुअली फ्लैशलाइट है ही नहीं, ठीक है। फ्लैशलाइट आपको एक ही मिल रहा है, 50 मेगापिक्सल का जो OIS कैमरा है उसके साथ आपको एक ही इसमें फ्लैशलाइट मिल रहा है। जो दूसरा है ये एम्बियंट लाइट सेंसर है गाइस, जो कि आपका लाइटिंग किस इन्वायरमेंट में आप हैं वहाँ पर लाइटिंग कैसा है, ठीक है, उसके मुताबिक उसका सेंसर है गाइस ये, ताकि नेचुरल लाइट है या क्या है उसको ये एक्चुअली में सेंस करता है, उसके लिए ये दिया गया है। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और भी मोटोरोला से रिलेटेड, मोटोरोला ए से रिलेटेड नए नए सेटिंग्स वगैरह क्या क्या हैं उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आने वाले वीडियो में और भी देखेंगे नए नए सेटिंग्स मोटोरोला एज 40 में क्या क्या हैं। सो गाइस तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।